हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 की। तो आप सभी को बताना चाहेंगे, मैथमेटिक्स के एंट्रेंस एग्जाम स्टूडेंट के लिए मॉर्निंग में 6 बजे आपकी इसकी वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, और आप सभी को बताना चाहेंगे इवनिंग में आपके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स की, जैसा आप देख सकते हैं फिजिक्स की वीडियो आपको 6:30 बजे और केमिस्ट्री की 6:30 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। आपने अपना एंट्रेंस के लिए यहाँ पर टाइम टेबल नहीं देखा तो ये टाइम टेबल अपलोड है, आप देख सकते हैं कि आपको कब कौन सी वीडियो मिलने वाली है। वैसे हमने आपको बताया कि शाम को आपको फिजिक्स की 6:30 बजे वीडियो मिलेगी, केमिस्ट्री की 6:30 बजे मिलेगी। तो आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता दोस्तों, आपको डायरेक्टली चैनल पर आना है, विजिट करना है और आसानी के सभी वीडियो देखना है। शाम को आपको हमने बताया और मॉर्निंग में अभी आपके लिए मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो दोस्त, ये और सभी वो सेमेस्टर एग्जाम के स्टूडेंट का है। हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप इन सभी जो आपके वीडियो है आसानी से देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम का यूज कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम का यूज करते हैं तो सिंपली हमारे चैनल को ज्वाइन करें @currentstudyofficial, वहाँ पर सर्च करके इसे ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप सभी वीडियो पा सकेंगे और 2020 एंट्रेंस एग्जाम में बेहतर तरीके से तैयारी कर सकेंगे। आज की इस वीडियो में मैथमेटिक्स में आपको मैं बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समरूप त्रिभुज के यहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि प्रीवियस पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज ABC में D एवं E रेखा AB और AC का मध्य बिंदु है, तो DE रेखा ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये कह रहा है एक ट्रायंगल है, इसमें AB एक रेखा, ये आप देख रहे हैं AB एक रेखा है, इसका मिड पॉइंट D है और AE का मिड पॉइंट E है, ठीक है, ये दोनों मिड पॉइंट है और आपसे पूछा है कि रेखा DE ज्ञात कीजिए, अर्थात ये रेखा आपको ज्ञात करना है, ये रेखा कितना होगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका BC है। तो यहाँ पर एक नियम होता है दोस्त, इसको आपको पता होना चाहिए कि D इक्वल टू, अगर आपसे पूछेगा क्या होगा तो D इक्वल टू होता है BC/2। क्या होता है? BC/2, अर्थात जो ये DE होता है ये BC का क्या होता है? आपका हाफ होता है। BC का क्या होता है? BC का हाफ होता है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका, अगर ये एक रेखा इससे आपका बनेगा और इसका दोनों मिड पॉइंट पर होंगे तो आपकी DE जो होगी वो BC का हाफ होगी। ओके, तो आपका जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा? BC/2, ये आपका कंप्लीट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार लिया गया है, कह रहा है दोस्त कि एक त्रिभुज ABC में PQ रेखा BC के समानांतर है, जो कि पॉलिटेक्निक 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में रेखा PQ रेखा BC के समानांतर है। आप देख सकते हैं ये त्रिभुज है और ये BC, ये PQ, ये BC रेखा के समांतर है। तो इसमें आप बताइए कि आपका कौन सा आंसर सही होगा। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं कहा गया कि ये मिड पॉइंट पे है या कम ज़्यादा है, यहाँ पर आपको बिल्कुल यहाँ नहीं बताया गया। तो इसके लिए रूल ये होता है, अगर आपका मिड पॉइंट होगा तब तो आपको यहाँ पर जो हमने बताया कि जैसे अभी जस्ट कि उसका ये क्या होता है, इस नीचे वाले का ये हाफ होता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर मिड पॉइंट से ऐसा कुछ नहीं बताया तो इसके लिए रूल दोस्त ये होता है, आप इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको जो रूल होता है ये आपका, आप देख सकते हैं PQ, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। PQ और BC एक दूसरे के समांतर हैं। जब PQ और BC एक दूसरे के समांतर होंगे तब इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं इसको, इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं AB अपान AB, ये आपका दोस्त AB अपान AP, ये आपका यहां पर AP है, ठीक है। तो AB अपान AP आप लिख सकते हैं इक्वल टू AB अपान AP इक्वल टू AC। AC कौन सा है दोस्त? ये है आपका पूरा AC, और अपान में क्या लिख सकते हैं? AQ क्या है? AQ आपकी ये दूरी है, ठीक है। तो आपको ऐसे सिंपली यहाँ पर आपको अगर इस प्रकार समांतर में दिखता है तो आप इसको लिख सकते हैं AB अपान AB, ये हुआ और ये ऊपर वाला अपान AP, ठीक है। AB अपान AP इक्वल टू AC अपान AQ, ओके, ये चीज़ आप लिख सकते हैं और यही आपका कंप्लीट यहाँ पर आंसर होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? AB अपान AP इक्वल टू AC अपान AQ, ऑप्शन नंबर आपका C बिल्कुल करेक्ट है। आप देख सकते हैं AB अपान AP इक्वल टू AC अपान AQ, ये आपका करेक्ट है। ये रूल रेगुलेशन नियम होता है, ठीक है, ये सभी प्रमेय होती है, इसके आधार पर बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये है आपका कि AC
पैरेलल है MN के, यदि BN इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और NC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर तो BM अनुपाते AM ज्ञात कीजिए, अर्थात BM अनुपाते AM कितना होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो देख सकते हैं आप ये पॉलिटेक्निक 2016 में 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका क्या है MN और ये क्या है AC, ये दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पर आपको जो ज्ञात करना है वो BM अनुपाते AM, BM अर्थात इसका अनुपाते AM, इसका अनुपात आपको ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन को इस प्रकार आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सिंपली इसको करना क्या है आपको, यहां पर आप देख सकते हैं ये दोनों जब पैरेलल हैं तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए यहां पर क्या करना है, सिंपली आप देख सकते हैं। तो आपको यहां पर क्या करना है दोस्त, सिंपली यहां पर आप देख सकते हैं ये BM है और AM है, तो आप इसको लिख सकते हैं। देखिए आप लिख सकते हैं BM अपान आपको जो निकालना है उसको ध्यान देना है आपको, BM अपान AM इक्वल टू आप लिख सकते हैं BN अपान कितना लिख सकते हैं दोस्त CN। ये BM हो गया यहाँ से 5 सेंटीमीटर और आपका जो 2.5 सेंटीमीटर जो CN दिख रहा है अपान में, क्योंकि ये दोनों आपको यहाँ पर ये पैरेलल होने के कारण ये रूल आपका यहाँ पर लागू होता है। तो आपने देखा कि BN की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 5 दी गई है, अपान CN की वैल्यू कितनी है 2.5 है। तो सिंपली यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, इसको एक 2.5 है, इसको दशमलव को हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए और 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, अर्थात BM अपान AM इक्वल टू कितना आ गया 2। आप देख सकते हैं आपका जो BM अपान AM आ गया, यहाँ पर आपको ये दोनों वैल्यू दी गई है, आपको यही ज्ञात करना था जो BM अपान AM कितना आया, BM अपान AM इक्वल टू 2:1, अर्थात आपका आंसर कौन सा सही है, बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, BM अपान AM का अनुपात जो होगा 2:1 होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता आपको, यहाँ पर अगर आपसे ये अनुपात इसका पूछ रहा है तो आप इस साइड का देख लीजिए इसका अनुपात कितना आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं आपका कितना अनुपात आएगा, आपका 5:2.5 करेंगे तो आप यहाँ पर 25/50 इसको लिख सकते हैं, 50/25 और सिंपली काटेंगे तो 2:2:1 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका है दोस्त, देख सकते हैं आप, ये भी आपका पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा जा कुछ देखिए पॉलिटेक्निक 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार आपका है कि एक AD में एंगल का अर्धक है, एंगल A अर्धक है और AB 12 सेंटीमीटर है, AC 20 सेंटीमीटर है और BD 5 सेंटीमीटर है, तो CD की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, ये देखिए अब स्क्रीन पर आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर आपको ट्रायंगल दर्शाया गया, इसमें ये भुजा आपकी 20 सेंटीमीटर, ये भुजा आपकी 12 सेंटीमीटर, ये भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान दीजिए कितना है 5 सेंटीमीटर, BD आपकी ये पूरा नहीं है दोस्त, यहाँ तक आपकी 5 सेंटीमीटर है, आपको इसकी भुजा कितनी होगी CD की, ये आपको यहां पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। देखिए दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जैसा अभी जस्ट हमने बताया वही रूल आपको यहां पर लगाना है। देखिए ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार लिया गया है, आपको इसने क्या मान लिया, इसको x मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं लेकिन वैल्यू आपको इसको निकालना है। तो सिंपली क्या करते हैं यहां पर आपको AB इक्वल टू 12, AC इक्वल टू 20 और BD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है, आपको करना है AC अपान AB इक्वल टू DC अपान DB। कैसे, AC अपान AB का मतलब क्या हुआ दोस्त, AC कौन सा है, AC आपका यहाँ पर लाइन देख सकते हैं, AC आपका ये है, ठीक है, ये जो आप 20 सेंटीमीटर देख रहे हैं ये आपकी AC लाइन है, AC अपान AB ये आपका AB है, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं AB ये है आपका और AC आपका ये है, ठीक है। तो सिंपली आपका कितना हो जाएगा 20/12 होगा इक्वल टू आपका क्या होगा यहाँ पर CD अपान क्या होगा दोस्त DB। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर किया गया AC अपान AB इक्वल टू DC अपान DB और ये आपका जो वैल्यू है आपका 20/12 है, AC की वैल्यू कितनी है 20 और AB की वैल्यू कितनी है दोस्त 12। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं AB की वैल्यू यहाँ पर आपको 12 दी गई, उसी को हमने पुटअप किया और यहाँ पर AC की वैल्यू आपको 20 दी गई, उसको हमने यहाँ पर पुटअप
सॉल्व किया 20/12 हुआ और ए बी की वैल्यू आपको डी बी की वैल्यू ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आप लिखेंगे 20/12 इक्वल टू आप क्या लिखेंगे डी सी को आपको जो निकालना है उसका एक्स मान लिया हमने और डी बी आपने 5, तो सिंपली इसको कैंसिल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए 20 × 5 आपका यहाँ पर 20 × 5 = 12 होगा और इसको कैंसिल करेंगे, आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ये आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये आपका 25/3 हो जाएगा और इसको आप 25/3 को कैंसिल करेंगे तो आपका अनुपात यहाँ पर दशमलव में आएगा 8.33 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, यही आपका यहाँ पर x का मान होगा, अर्थात x का मतलब जो आपका कंप्लीट आंसर आने वाला है डी सी का मान कितना आएगा 8.33 सेंटीमीटर, ये आपका कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार लगाना है कि अगर आपको इस प्रकार ये दिया गया है तो आपको अनुपात दिखाने के लिए जैसे 20/ आपको क्या करना है, जैसे आप देख सकते हैं यहां पर 20/12 करेंगे, 20/12 इक्वल टू क्या होगा x/5, तो सिंपली यहां पे इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर 8.33 सेंटीमीटर आ गया। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो आपने अभी तक देखा तो आपको बताना चाहेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है इसके प्लेलिस्ट का, चेकआउट कीजिए और सभी वीडियो को देख सकते हैं और इवनिंग में आपको मैथमेटिक्स के साथ, ये मॉर्निंग में मैथमेटिक्स हो गया, इवनिंग में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो, एक फिजिक्स का वीडियो 6 बजे और केमिस्ट्री का 6:30 बजे अपलोड किया जा रहा है, आप क्लियरिटी के साथ एक वीडियो देखिएगा। धन्यवाद।